कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग इससे प्रभावित है और अभी तक इसकी कोई दवा मौजूद नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अकेले अमेरिका में 1,30,893 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पे है जहां 66,741 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हुई है और भारत का नंबर तीसरा है जहां पे 21,604 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को वायरस से, जर्म से और तरह तरह की विषाणुओं से, जर्म से और बाकी चीजों से बचाता है। ये उसका महत्वपूर्ण काम है। इम्यून सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट काम है। पहला, ह्यूमन इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में प्रवेश करने वाले सभी तरह के वायरस, जर्म्स वगैरह से फाइट करके उसे बॉडी से बाहर निकालता है। इस तरह के विषाणुओं और जर्म्स को पैथोजन कहते हैं। पैथोजन होता क्या, सिंगल सेल बैक्टीरिया की तरह का होता है, उसमें लाइफ होती है और वो जब ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है तो वहीं से रिसोर्सेस लेकर के अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो पहरेदार का काम करते हैं, जो पूरी आपकी बॉडी में ब्लड के साथ वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जहां भी उसे कोई फॉरेन एलिमेंट यानी कि किसी भी तरह का वायरस या कुछ दिखाई देता है, टारगेट दिखाई देता है, तो वो सभी जो बाकी के सेल है उनको आगाह कर देता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। बॉडी से बाहर वो किस तरह से निकलता है, वो हमारे छींक से बाहर निकलेगा या थूक से निकलेगा, इस तरह से वो बॉडी से उसे बाहर निकालता है। पहला काम ये हो गया आपका इम्यून सिस्टम का। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, जब कोई वायरस बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको पहचान लेता, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता, रिमेम्बर कर लेता, उसकी कॉपी सेव कर लेता आप कहें तो। और जब दोबारा वही वायरस जब दोबारा आपके शरीर में आता है तो जितने भी सेल है सभी को मालूम रहता है कि ये तो पहले वाला वायरस है जिसको हमने भगाया था, और वो बहुत तेजी से उसके ऊपर वापस अटैक करता है और उस वायरस को आपके बॉडी से बाहर निकालता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट काम जो इम्यून सिस्टम का है, वो आपके बॉडी में डिजीज पैदा करने वाले जो चेंजेस होते हैं और जैसे कि कैंसर सेल्स, वो उनको खत्म करता है, उनसे फाइट करता है और उनको खत्म करता है। इम्यून सिस्टम का ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। आज जबकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और इस खोज में लगे हैं कि ह्यूमन को बचाया जाए इस महामारी से, अभी तक दुनिया में इसकी कोई भी दवा नहीं है और लोगों की मरने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोग जो पॉजिटिव हो रहे, इन्फेक्टेड हो रहे, उनकी संख्या भी लाखों में है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कितने दिनों में हम ये वैक्सीन बना सकते हैं। जो सबसे पहले वैक्सीन बनी थी 1967 में, वो मम्स की वैक्सीन बनी थी और उसको बनाने में 4 साल लग गए थे। उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन बनी, जो बहुत तेजी से बनाई गई थी दूसरी वैक्सीन, वो वैक्सीन थी इबोला की, इबोला वायरस की, और उसे बनाने में 5 साल लगे थे। साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट के अनुसार ये कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 12 से लेके 18 महीने लग सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट इज ऑपरेशन वार्प स्पीड, और उसके तहत उन्होंने 3 दवा बनाने वाली कंपनियों को ये ट्रायल जो है क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 फेज 2 के लिए उन्हें परमिशन दिया है और उसे फंड भी दे रहे हैं। वो 3 कंपनियां हैं मॉडर्ना और उनकी दवा का नाम है mRNA-1273 और ये जुलाई में उनका ये ट्रायल होना है। और दूसरी जो है वो यूके की कंपनी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका और वो वैक्सीन का नाम है AZD-1222, ये उनकी वैक्सीन का नाम है। और तीसरी कंपनी है पीफाइजर एंड बायोनटेक्स BNT-162, ये उनकी वैक्सीन का नाम है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने 1.6 मिलियन का फंड एक कंपनी को दिया है कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट और उसको बनाने के लिए।
और उस वैक्सीन का नाम है नोवा वैक्स। बाबा रामदेव ने तो दावा भी ठोक गया कि उसने कोविड-19 का क्योर खोज लिया है और उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। भारत में 6 ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड-19 के वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन कैंडिडेट उनके पास में है। भारत सरकार ने 2 कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए और उसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल के लिए उनको परमिशन दिया है। ये कंपनियां है भारत बायोटेक एंड जायडस कैडिला। इनको परमिशन दिया है फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और इनका जो वैक्सीन है वो वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन एंड ZyCoV-D। देखिए अभी आज की तारीख में जहां पे ये कोविड-19 का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है, जहां पे लॉकडाउन है, वहां पे लोग अभी भी लॉकडाउन की अवहेलना करके घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें इसका सबसे अच्छा उपाय अभी फिलहाल यही होगा जब तक कि वैक्सीन मार्केट में नहीं आती है, आप अपने आप को बचाएं और अपने पूरे परिवार को बचाएं और साथ ही पूरे समाज को भी बचाएं। उसके लिए जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें। और अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि शायद ये एयरबॉर्न मतलब हवा से भी फैल सकता है। उसके ऊपर अभी रिसर्च करना बाकी है उनका, लेकिन उन्हें संदेह है कि ये हवा से भी फैलता है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर ये हवा से फैलता है और आप बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहे हैं तो ये आपके सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।